So hello guys, welcome back to my channel Engineer Kitchen. आज हम बनाने वाले कटपारा बहुत इजी रेसिपी आप लोग इसी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा. जो ऑयल अच्छी तरह से हॉट गरम हो जाएंगे तब हम उसमें जीरा डालेंगे, फिर हम लोग स्लाइसेस अनियन डालेंगे. उसके बाद यहाँ पे हम लोग टमाटर डालेंगे बड़ी और दो टमाटर यूज करेंगे. उसके बाद यहाँ पे अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे. लहसुन के 5 या 6 कली लेंगे अपना और इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे. एटलीस्ट हम लोग को टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए. गलने के बाद इसे हम लोग ग्राइंड में पीस लेंगे मिक्सी जार में. उसके बाद देखिए हमने इसे ढक दिया है. अब यहाँ पे हम लोग कढ़ाई ली है, उसमें हम लोग 1 टीस्पून बटर डालेंगे. बटर देखिए अच्छी तरह से गल जाएंगे. देखिए अच्छी तरह से गल गए तो हम उसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, फिर लाल मिर्च डालेंगे और हम उसमें जीरा पाउडर डालेंगे और उसमें ब्लैक पेपर्स डालेंगे और उसमें कश्मीरी लाल सिर्फ कलर के लिए डालेंगे और हम उसमें गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे. अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हमारे जो पेस्ट थी जो हमने पीस के रखे थे प्याज वाले टमाटर वाले उसे इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से भूज लेंगे. भूजने के बाद हम उसमें पानी डाल देंगे. आप लोग मसाले को आधा भी पीस सकते हैं या पूरा भी अच्छी तरह से पीस सकते हैं. देखिए खोल रहे हैं. यहाँ पे हमने कढ़ाई में एक ऑयल डाले, सरसों डाले, करिया पत्ता डाले, प्याज डाले, इसे हम अच्छी तरह से भूज लेंगे. उसके बाद हम उसमें हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, फिर मिर्च डालेंगे. इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और लहसुन का पेस्ट डालेंगे. हल्का पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मसाला इसके पका लेंगे. अब हमारे जो आलू जब हम बॉईल करके रखे थे उसे छील के हम मैश कर लिए थे वो हम उसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाला में. देखिए अब अच्छी तरह से मैश हो चुकी है. अब यहाँ पे हम लोग बेसन लेंगे, एटलीस्ट 1 कप हम उसे बेसन डालेंगे. फिर हम लोग इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं. डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी आप लोग 1 टीस्पून डालिएगा और इसे हम अच्छी तरह से पहले चम्मच से मिक्स कर देंगे. और उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ी थोड़ी पानी करके डाल के इसे मिक्स कर लेंगे. अब हम लोग जो आलू जो बना के रखे थे उसे हाथ में लेके उसे हम लोग गोल शेप देंगे.
किचन खोलते हैं उसको, इसमें डालेंगे आलू को। अब हम इसको फ्राई में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। Thank you.